दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मेवात के अंदर जो ब्रज यात्रा निकाली जा रही थी और उसके ऊपर पथराव कर दिया गया और चारों तरफ से घेर के जो लोग उसमें लाखों लाख लोग जो गए थे अपनी गाड़ियों से और अपनी बाइकों से, जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उनको चारों तरफ से घेरा जाता है और उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर करीब 10 से 15 गाड़ियों की जो वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं और निकल के बाहर आ रही हैं, उनमें आग लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर ऐसी यात्रा अगर हिंदुस्तान में नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी। अब सबसे बड़ी शर्मनाक ये बात अगर हम करें तो आज का जो दिन है वो हो सकता है कि हरियाणा के लिए वो काला दिवस भी साबित हो सकता है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, एक्शन चाहे वो कैसा भी हो। अगर हम बात करें, एक घटना हुई बरेली के अंदर कांवड़ यात्रा पर यात्रियों पर उनके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और वहां पर मुसलमानों ने उनको रोकने की कोशिश की गई कि इस तय रूट से हम डीजे बजने नहीं देंगे और इस तरीके से वहां पर विवाद खड़ा हुआ। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो तय रूट था वहां होकर के मुहर्रम की यात्रा निकल रही और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। ये समझने की भी बात है, ये कॉन्सपिरेसी कैसे सेट की जा रही है यहां पर, ये आपको समझने की बात है। जो बिहार के अंदर से 2047 का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जो झुकाव देना था वो ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से बड़ा व्यक्ति उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, जिस तरीके से गजवाए हिंद की जो बात हिंदुस्तान के अंदर चली आ रही है, ये आप मान सकते हैं। इससे पहले लफ्ज़ जिहाद की कहानी, अगर कोई बात अगर किसी के मुंह से अगर लफ्ज़ जिहाद निकलता था तो ये कहते थे क्या मूर्ख आदमी है, किस तरह की बातें कर रहा है। अब गजवा हिंद की बात करने लगते हैं तो कहते हैं कि आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, इस तरह की बातें करते हैं। अब आप इस बात को समझिए, दिल्ली के अंदर मुहर्रम है, बरेली के अंदर कांवड़ है, मेवात के अंदर ब्रज यात्रा निकाली जा रही है, वो ब्रज यात्रा जो हर वर्ष विश्व हिंदू परिषद निकालता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु अब वो निकली है और उसके ऊपर पथराव किया गया। किस तरीके से, आप इस बात को भी समझिए कि तय रूट से वो यात्रा निकल रही है, किलो दो किलोमीटर आगे चली जाती है तो पीछे से पथराव, आगे से पथराव, चारों तरफ से उस यात्रा को घेरा जाता है। वहां पर उस यात्रा के अंदर दुर्गा वाहिनी की महिलाएं भी थी, बस भी वहां पर चल रही है, जो लोकल यातायात है वो भी चल रहा है। अब ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है कि किसी बस में 1.5 साल का बच्चा भी उसमें फंसा हुआ था। आप इस बात को सोचिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर काश उनके बच्चे अगर उस जगह होते तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखते, उसके सिवाय आपके पास कुछ भी चारा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्मादी भीड़ ने पत्थर की बरसात की थी, आप उस जगह कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जिससे आप बच सको, आप वहां पर घिरे हुए हैं। आप इस बात को समझिए कि सपना आप देख रहे हैं और सपना खुलते ही आप क्या देखेंगे, उस तरह की वहां पर मंजर था। अब बरेली के अंदर अगर इस तरह की घटना हुई, पुलिस कार्रवाई होती है तो वहां पर योगी आदित्यनाथ, प्रभाकर चौधरी SSP हैं, जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया, उनका तबादला कर दिया गया, लखनऊ इस PSC में ट्रांसफर कर दिया उनका, 10 साल में 21 ट्रांसफर। ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, मथुरा आए थे तो किसी नेता से नोक झोंक हुई, सिर्फ तबादला। अगर ईमानदार अगर अधिकारी है तो उसके तबादले पर तबादले होते हैं। अगर मेवात के अंदर अगर ऐसी घटना होती है तो क्या मनोहर लाल खट्टर की सरकार अब क्या निर्णय लेगी? वहां तो आपका पुलिस का प्रशासन भी शायद बौना पड़ जाए, जिस तरह का वहां का मंजर है, वही नू है जिस समय मनोहर लाल खट्टर की वहां पर पब्लिक मीटिंग थी और वहां पर खबर इंडिया की टीम भी गई थी, उसमें मैं भी मौजूद था, दिन के 4:30 बजे थे और कैमरा मैन के पीछे जो बैग टंगा हुआ था, दिन के 4 बजे वो खोल लिया जाता है और उसको कैमरा मैन कहता है क्या कर रहे हो, अरे देख रहा था इसके अंदर क्या है। इस तरह की हरकतें दिन में हो जाती हैं तो पथराव की क्या उम्मीद करोगे आप, वहां तो छोटी बात है पथराव। आज अगर वहां से अगर वीडियो निकल के आई है तो वहां पर कोई भगवा शर्ट पहनी हुई है, किसी ने भगवा तौलिया डाली हुई है तो उसके सिर पे ईंटें मारी जा रही हैं, आग लगा दी जा रही है उन गाड़ियों को जिनके अंदर भगवा कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो यात्रा में है, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है। अब ट्विटर बाजी पर ट्वीट करेंगे,
बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ट्वीट पर ट्वीट खेल रहे होंगे और कुछ इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं उनके पास। हिंदुओं को डराओ वोट पाओ, रणनीति है ये। मेवात के अंदर किसी तरह का कानून नहीं चल रहा है ऐसा मुझे आज प्रतीत होता है, क्योंकि इससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर द्वितीय बार में जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय मुझे यही एहसास हुआ था, पर वेरीफाई नहीं था, पर आज ये एहसास भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर उग्र भीड़ है, वहां पर अपराधियों को शरण भी दी जाती है, उन अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए वहां के लोगों से परमिशन मांगती होगी कि हम आ जाए क्या, इस तरह का वहां का मंजर है। आप इस बात को समझिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर भगवा गमछा पहन करके आप जा नहीं सकते, तो वो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कम होंगे? कतई उम्मीद मत करिएगा। 2047 का वो ब्लूप्रिंट, गजवा हिंद की जो मंशा, वो जो पाले हुए हैं, उसके लिए ठोस कदम गृह मंत्री को और मौजूदा सरकार को लेना होगा, और उससे आप कोई उम्मीद भी नहीं करिएगा जो जिनसे आप भरोसा रखते हैं। अब मणिपुर में ऐसी ही हिंसा होती है, मणिपुर के अंदर जिस तरह का तांडव हो रहा है उसको ये भी कह सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है। क्या आज नींद से जागे होंगे? आज तो सोमवार है, वैसे भी कोर्ट चल रहा होगा, क्या स्वतः संज्ञान लिया जाएगा इस तरह की घटनाओं पर? आपको ये सोचना होगा और सोचने पर मजबूर भी होता होगा। अगर ऐसी जो घटनाएं अगर हिंदुस्तान के होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जहां आप अपने बच्चे और अपने परिवार को सेफ महसूस कर पाएंगे। कुछ लोग यहां पर बड़े बड़े पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ हैं, वो तो वीजा और पासपोर्ट बनवाएंगे और फुर से निकल जाएंगे दूसरे देश, जहां उनको सुकून की शांति और शुद्ध हवा मिलेगी वो तो वहां पहुंच जाएंगे, हम और आप कहां जाएंगे? ये सोचने का विषय है। अगर सरकारें अगर समय से नहीं चेती तो वो दिन दूर नहीं, वो समय बहुत नजदीक होगा जिस दिन अपने बच्चे और अपने परिवारों का हम सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे। आपको इस बात पर सोचना होगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।